सौ नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते, एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है सौ नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन सौ नंबर के टारगेट पर है। बुलंदशहर से गुजरते नेशनल हाईवे 91 पर खौफ की एक दास्तान अभी कुछ वक्त पहले ही लिखी गई थी, जब लूटपाट के बाद एक परिवार की महिलाएं हैवानियत का निवाला बन गई थीं। लेकिन फिर भी यूपी पुलिस की नींद नहीं टूटी और जब एक बार फिर ग्रेटर नोएडा से गुजरते यमुना एक्सप्रेस वे के नजदीक ही दरिंदगी अंजाम दी गई, तब भी उत्तर प्रदेश पुलिस सोती ही रही। पे डेढ़ बजे सर आए थे, कह रहे थे हम पुलिस वाले हैं, तो चलो उठो, हमको आपको दारू ही बनती है आपके घर में, तो उसको तलाशी लेना है। तो सर नींद में थे, हमको उठा के किनारे बैठाए, बैठाने के बाद सर फिर पीछे से बांधने लगे पांव, मतलब हाथ बांधने लगे, बांध के वो कटोरी में डाल दिए, फिर तो उसके बाद हमको निकाला नहीं सर। फिर काल्पनिक नाम सुशील का कहना है कि 1-2 नवंबर की दरमियानी रात तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था, जब 6 अज्ञात लोगों ने उनके घर की दहलीज पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया और नींद की आगोश का हिस्सा परिवार को जगाकर दरवाजा खोलने के लिए बोला। परिवार ने पूछा, कौन हो तुम लोग? तो उन लोगों ने दरवाजे के पीछे से आवाज दी कि हम पुलिस वाले हैं। साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारे यहाँ शराब बनाने का अवैध धंधा होता है, हमको तुम्हारे मकान की तलाशी लेनी है। दरवाजे पर पुलिस की मौजूदगी से परिवार घबरा गया और बेखौफ दरवाजा खोल दिया। लेकिन अनजान उस अनहोनी से जो उन्हीं 6 अज्ञात लोगों की शक्ल अख्तियार कर उनके सामने खड़ी थी। जैसे ही नींद से उठे परिवार ने दरवाजा खोला, तभी 6 के 6 वो शख्स घर के अंदर जबरदस्ती दाखिल हो गए। परिवार के जितने भी पुरुष थे सबको बंधक बना लिया, मारपीट की और बांधकर एक कमरे के अंदर कैद कर दिया। परिवार के सभी बंधक पुरुष समझ चुके थे कि उनके घर के अंदर बदमाश घुसे हैं, जिनका मकसद लूटपाट है। लेकिन बंधक परिवार यह नहीं जानता था कि जो बदमाश उनके घर में घुसे हैं वो महज सोना चांदी रुपया और चीजों के लुटेरे नहीं, बल्कि आबरू के भी दुश्मन हैं। जी हाँ, घर के अंदर लूटपाट तो मचाई ही गई, साथ ही साथ हैवानियत का गंदा खेल भी खेला गया। बंधक परिवार की 3 महिलाएं दरिंदगी का शिकार बन गई। लूटपाट मचाने के बाद तीनों महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ और घिनौनी वारदात अंजाम देने के बाद वो अपराधी फरार हो गए। लेडीज लोग से बदतमीजी करी, इज्जत भी लूटी सर, जो चीज बटूट है वो सब लेके गए। कितने लोग थे वो? 6 लोग थे सर, 5-6 थे। हम आपको बता दें कि घिनौनी और शर्मनाक वारदात ग्रेटर नोएडा के थाना रघुपुरा में अंजाम दी गई है, जो यमुना एक्सप्रेसवे से सटा है। पीड़ित परिवार एक भट्टे पर मजदूरी करता है और वहीं पर रहता भी है, लेकिन वहशत से गुजरे परिवार ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि कभी दरिंदगी से भी उनका सामना होगा। लेकिन हैरानी तो उस वक्त हुई जब संगीन वारदात के तुरंत बाद पीड़ित परिवार ने रात के वक्त ही स्थानीय पुलिस थाना रघुपुरा को सूचना दी, मगर इतनी बड़ी वारदात पर भी ग्रेटर नोएडा पुलिस सक्रिय नहीं हुई। निष्क्रिय पुलिस ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी लापरवाह बनी रही। सुबह होते होते जब खबर मीडिया तक पहुंची तो ग्रेटर नोएडा पुलिस सक्रिय दिखाई दी। फौरन ही एक फॉरेंसिक टीम सुराग सबूत जुटाने के लिए मौके पर रवाना कर दी, जिसने मीडिया की मौजूदगी में क्लू तलाशने की कोशिश की।
हाँ सर, हम लोग यहाँ आए हैं, अभी जांच कर रहे हैं, और देखिए जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी मैं आया हूँ। क्या जानकारी मिली आपको सर? जानकारी है कि यहाँ लगता है कि सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है जी, चारों तरफ से, तो हो सकता है कुछ बदमाश आए हैं जी, तो यहाँ पैसे ढेले जो भी छीन छान कर ले गए हैं। अभी इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। यमुना एक्सप्रेस से कितनी दूरी पर है भट्टा? अब ये बिल्कुल लगता पास में ही है, मैं अभी नया आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कितना किलोमीटर। दूसरी तरफ मीडिया ने जब ग्रेटर नोएडा पुलिस के अधिकारियों को नींद से जगाया तो पुलिस जाग गई, कार्रवाई और तफ्तीश का दम्भ भरने लगी। कंचन लगला गांव का नाम है, वहां की ये घटना है। इसमें ये भट्टा मजदूरों के साथ ये घटना हुई है, तो पुलिस हमारी पूरी टीम लग गई है चौतरफा। हम जल्द ही इस घटना को खोलेंगे और बस गुजारिश ये है कि थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि मीडिया का भी सहयोग चाहिए होता है। शिकायत ये आई है कि कुछ भट्टा मजदूर जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उनके साथ रेप की घटना और उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसको लूटपाट भी मचाया गया है। तो जो शिकायत है उसको रजिस्टर कर लिया गया, हमारी टीम जो है वो चौतरफा लगी हुई है, हम जल्दी ही घटना। कितनी महिलाओं के साथ रेप का मामला? ये तीन महिलाओं के साथ होता है। कितने लोगों का आरोप, कितने लोगों को बताया जा रहा है जिन्होंने वहाँ बंधक बनाया? 5-6 पुरुष हैं जो उनके साथ रहते हैं, उन्हीं को बंधक बनाया। ग्रेटर नोएडा के थाना रबुपुरा के अंदर इतनी घिनौनी वारदात अंजाम दी गई तो स्थानीय लोग भी गुस्से से भर गए। आक्रोशित लोगों ने थाना रबुपुरा के बाहर धरना दिया और पुलिस की जमकर लानत मलानत की। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ये इलाकाई लोग इस बात से नाराज हैं कि इतनी बड़ी वारदात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। इनका कहना है कि जनता पर जुल्म होता रहता है और पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सोया रहता है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? पुलिस अगर वक्त पर मुस्तैद रहे तो फिर अपराधी अपराध अंजाम नहीं दे सकते। घटनापट तो एक ऐसी भयंकर घटना हुई है जिससे पूरा क्षेत्र स्तब्ध है, और इस तरीके की ये पहली घटना यहाँ हुई है जिस तरीके से बदमाशों ने रात को बंधक बनाकर मजदूरों को और बारी बारी से उनके साथ रेप किया है। तो ये बहुत बड़ी घटना है यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे, जिसकी सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते रहे। तो इससे पूरा क्षेत्र स्तब्ध है और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर जनता सोचने के लिए मजबूर है कि आखिर ये क्या पुलिसिंग है। देखिए, ये हमारा कहना है कि एक लूट की घटना फलैदा की महिला के साथ इस घटना से पहले हुई थी, जिसकी सूचना 8 बजे के करीब थाने में जा चुकी थी। अगर उसी वक्त कॉम्बिंग करके बदमाशों को घेरे जाने का प्रयास किया जाता तो ये सामूहिक बलात्कार की घटना को रोका जा सकता था, और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा पीड़ितों को, हम इस संघर्ष को जारी रखते हैं। गुस्साए लोगों का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो थाना रबुपुरा के बाहर बैठे रहेंगे, पुलिस की लानत मलानत करते रहेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, मगर यूपी पुलिस से हम सवाल पूछते हैं कि आखिर खाकीधारी मुस्तैद क्यों नहीं रहते? क्यों घिनौनी और शर्मनाक वारदात के बाद ही वो मुस्तैद होने का नाटक करते हैं? आखिर कब तक बेखौफ बदमाश पुलिस की इसी लापरवाही का फायदा उठाकर इंसानियत शर्मसार करते रहेंगे? आखिर कब तक? प्रणव भारद्वाज, ग्रेटर नोएडा, नेशनल वॉइस। अंदर बहन बेटियां न घर के भीतर सुरक्षित हैं और ना ही सड़क पर। 75 के 75 जिले घिनौने जुर्म से करा रहे हैं। यूपी पुलिस कहती है कि महिलाएं महफूज हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए हरदम मुस्तैद है, और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस वाकई सच्ची है तो लखीमपुर खीरी की वारदात आखिर क्यों सामने आई? एक नवंबर की सुबह थी, वक्त तकरीबन 8 बजे का था, जब लखीमपुर के थाना खीरी के गांव मांगूखेड़ा की रहने वाली नाबालिग एक लड़की शौच के लिए घर से निकली
और खेत की तरफ कदम बढ़ाए, मगर जब खेत पर पहुंची तो उस दरिंदगी से जूझने पर मजबूर हुई, जिसका तसव्वुर करके भी रूह कांप जाती है। किसी शैतान शख्स ने नाबालिग लड़की की पहले तो मासूमियत रौंदी और फिर अपनी पहचान और जुर्म पर पर्दा डालने के लिए एक और गुनाह कर डाला, लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। लाश को खेत के अंदर फेंक कर वो दरिंदा फरार हो गया। और हम गए ना तुरंत, हम कहा सब भाई मेहमान रोटी खा लगे, हमारे मेहमान आए थे तो रोटी डाल दे, हम चुप के चले गए वहाँ स्थान बना है जिंदा बाबा। उसे जाग देखे ख्या तम यहाँ लुटिया धरी पानी के और बिटिया हुआ हमारे नाई, सब ढूंढे देखे नाई मिली और गन्ना में यहाँ फिर घर के लड़का ढल गए पर और मुँह से बांधा है पहले गन्ना के रिपाती से ने घेटुआ बांध दी और तिकर रुपट्टा का कस दी ने सिलवार छोड़ दी कहीं हम तो डाल दी है। और हमारे बेटा बहुत गौर है भैया हाँ माता परिवार। लड़की जब काफी देर तक अपने घर नहीं पहुंची तो परिवार की परेशानी ने उसको तलाशने के लिए उकसाया। पीड़ित परिवार घर से बाहर निकला और अपनी बेटी को ढूंढने लगा। काफी देर तक तलाशने के बाद जब लड़की की मां ने घर से 400 मीटर की दूरी पर अपने खेत पर दस्तक दी तो मंजर देखकर चीख पड़ी। गन्ने के खेत से मासूम बेटी की संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई। दुपट्टे से गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया था और वो दुपट्टा लड़की के गले में ही बंधा था। बहन सुबह प्रातः उठकर 8 बजे गई और उसने उसको किसी ने उसकी बेइज्जती की बल्कि बलात्कार किया और उसका हत्या कर दिया। नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या की वारदात जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। गांव के अंदर बदहवासी पसर गई, पीड़ित परिवार पर सदमा हावी हुआ और खबर पुलिस के कान तक पड़ी तो सीधा मौके वारदात पर दस्तक दी, जहां पुलिस ने लड़की की बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। एक लड़की सुबह 8 बजे शौच के लिए गई थी, जब वो लौट के नहीं आई तो घरवालों ने उसको तलाश किया तो एक गन्ने के खेत में उसका शव मिला और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार सीधा सीधा बयान दे रहा है कि नाबालिग बेटी से पहले बलात्कार हुआ और शैतान शख्स ने अपनी पहचान पर पर्दा डालने के लिए मौत का खेल भी खेल डाला, मासूम की मासूमियत रौंदकर मर्डर कर दिया। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पुख्ता हो कि लड़की की रेप के बाद हत्या की गई। फिलहाल पीड़ित परिवार के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी शख्स की तलाश तेज कर दी है। पूछताछ जारी है और पुलिस ने जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दम भी भरा है। गोपाल गिरी, लखीमपुर खीरी, नेशनल न्यूज। राजनीति से ताल्लुकात रखने वाले एक शख्स की 10 दिन बाद शादी होने वाली थी। उसका परिवार अपनी तैयारियां पूरी कर चुका था लेकिन मैरिज से 10 दिन पहले ही यानी 1 नवंबर की रात उसका मर्डर कर दिया गया और सवाल खड़ा हुआ, हत्यारा कौन है और हत्या की वजह क्या है। कपड़े को कफन बनाकर उड़ा दिया, एक बेटे को इस परिवार ने न जाने क्यों गवा दिया। खून आज भी फर्श पर सूख कर गाढ़ा हो रहा है। एक परिवार अपने की मौत पर सरेआम रो रहा है। जिस घर में शादी की शहनाई गूंजनी चाहिए थी, जिस घर को सजना सवरना चाहिए था, जहां नाच गाना मस्ती ठहाके लगने थे, वहां अब अंधेरा है, मातम पसरा हुआ है और पूरा परिवार रो रहा है। पूरा इलाका मानो सदमे में है क्योंकि घर के जवान लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया है।
जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद रोड कॉलोनी में हेमंत सागर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या अज्ञात बाइक सवारों ने कर दी। हेमंत सागर उर्फ टिंकू शाम को लगभग 8 बजे अपने पिता की परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी बताया जाता है कि दो बाइक सवार युवक आए और हेमंत कुमार के सर में गोली मार दी और गोली मारकर वो तुरंत मौके से भाग खड़े हुए। तभी युवक मौके पर जमीन पर गिर गया। सूचना पाकर मौके पर इलाके के लोग व परिजन पहुंचे और युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर हेमंत सागर को मृत घोषित कर दिया गया। दुकान के बाहर मृतक का पड़ा खून आज भी उस दर्दनाक किस्से की गवाही दे रहा है। मुरादाबाद रोड के पास एक रिलायंस का पेट्रोल पंप है, वहीं इनका घर है और घर के आगे ही इनकी दुकान है परचून की। दो लड़के मोटरसाइकिल से आए और इनको गोली मार दी। एक गेट के अंदर जो है वहाँ गिर पड़े, गोली इनके गर्दन में बाईं तरफ लगी और यहाँ अस्पताल आते ही इनकी मृत्यु हो गई। अभी इनके पिताजी से सुरेश से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरे जो है भानोई और मेरे सगे भाई ने हत्या की है और इसके बारे में और विस्तार से इसे बाद में पूछताछ की जाएगी, तब पता चलेगा। पुलिस पार्टी मैंने रवाना कर दिया है उनकी गिरफ्तारी के लिए। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और पूरा इलाका बंद हो गया। हम आपको बता दें कि हेमंत कुमार 2012 में विधानसभा का निर्दलीय पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और हेमंत कुमार की 10 नवंबर को शादी होनी थी। उसकी तैयारियां चल रही थी और इसलिए अब इस हत्या को शादी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, हफ्ते भर बाद जहां शादी की शहनाइयां गूंजनी थी, आज या कल में जहां इस खुशी के मौके पर परिवारजनों और रिश्तेदारों का इकट्ठा होना लिखा था, वहां आज हर कोई मातम मनाने पहुंच रहा है और अब इस घर से शहनाइयों की नहीं बल्कि रुदालियों की आवाज। देखिए, मर्डर का मामला है, इसके रंजिश रहती है इसके पीछे। इस तरीके की घटनाओं को जो हत्या करने वाले हैं वो अपना ताक में लगे रहते हैं, जब उनको उचित अवसर मिलता है तो कर लेते हैं। कि कोई लूटपाट की घटना नहीं है, इसमें टाइम का कोई मतलब ही नहीं। जैसे बता रहे हैं उसके पति परिजनों का कहना है कि एक फ़ोन आया था जिसको धमकी दी गई थी, उसमें कुछ जानकारी मिल पाई है? उनके परिजन जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जिसका फ़ोन आया था उन्हीं के बारे में वो स्पष्ट बोल रहे हैं और उन्हीं को अभी हत्या में नामजद करेंगे। रोते बिलखते परिजनों का अब कहना है कि कुछ दिन पहले घर पर एक फोन आया था जिसमें धमकी दी गई थी, साथ ही एक हफ्ते पहले हेमंत की अपने ही सगे चाचा से भी लड़ाई हुई थी। परिजनों की शक की सुई मृतक हेमंत के चाचा पर भी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वारदात के 15-20 मिनट के अंदर ही पुलिस तो पहुंच गई थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वहीं मौका वारदात पर खड़े लोगों का कहना है कि पुलिस 15-20 मिनट के अंदर तो पहुंच गई थी लेकिन इससे पहले ही आरोपी फरार हो चुके थे और हेमंत आखिरी सांस ले चुका था। ऐसा है कि मेरा घर भी पास में ही है, मुरादाबाद रोड रिलायंस के सामने इसका घर है, उसी में दुकान है। ये अपनी दुकान पर था तो लोग आए, कुछ लोग बता रहे स्कूटी या मोटरसाइकिल दोनों में से एक चीज़ से आए और आके गोली मार गए। अच्छा, कितने लोग थे कुछ अंदाजा? वो तो दो लोग बता रहे हैं और गोली लगने के बाद ये आदमी घर में भाग के इसने कही कि मेरे गोली मार दी, लेकिन उस गोली से ऐसी जगह मारी, वो ऐसे लोग हैं शायद पेशेवर कि उसी में ही काम हो गए। पुलिस भी बहुत जल्दी पहुँच गई घर, 5 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट में पुलिस ने गाड़ी में रख लिया, यानी 15 मिनट के अंदर अस्पताल में पुलिस 15-20 मिनट में ले आई। क्या पुरानी रंजिश के चलते हुई कुछ? पुरानी रंजिश हमारे हिसाब से तो मोहल्ले में परिवार में आसपास इसकी हमें लग नहीं रही, कहीं और कोई अगर कोई मैटर हो। चुनाव लड़ा था ना पिताजी का? हाँ, चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में भी ऐसा चुनाव नहीं था वो किसी को नुकसान पहुंचा पाता। तो इस वारदात के बाद बातें अलग अलग निकल कर सामने आई है, क्योंकि सवाल तो ये भी है कि अब कौन इस मौत का जिम्मेदार है।
पुलिस शायद ये बताने की कोशिश कर रही है अपने बयानों के जरिए कि रंजिश का खाकी के पास कोई हल नहीं, लेकिन फिर पुलिस के पास किसी और अपराध को रोकने की कोई कामयाब कहानी भी तो मौजूद नहीं। ये परिवार रो रहा है और खाकी से इंसाफ की आस लगाए बैठा है। मृतक को आखिर क्यों मौत के घाट उतारा गया? क्यों इस परिवार को आज गम के सागर में डूब जाना पड़ रहा है? और आखिर क्यों वो आरोपी आज चैन की सांस लेने में कामयाब है? इन सब सवालों का जवाब फिलहाल खाकी को देना है, लेकिन फिलहाल खाकी के हाथ खाली है। मोहम्मद सद्दाम, संभल, नेशनल वॉइस। चार साल पहले एक दंपति ने परिवार और समाज की परवाह किए बगैर प्रेम विवाह किया था। उसका वक्त अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन चार साल बाद यानी तारीख 1 नवंबर 2016 के दिन पता नहीं पति पर क्या पागलपन सवार हुआ कि जिस लड़की से लव मैरिज की उस पर ही सनकी बनकर टूट पड़ा। गाजियाबाद से रिश्तों को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र के रजापुर इलाके में एक महिला को उसके पति ने चाकुओं से गोद दिया। घायल पत्नी को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वारदात के बाद से पति फरार है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। घटना से परिवार सकते में है। दोनों ने चार साल पहले लव मैरिज की थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन किसी की समझ में भी ये नहीं आ रहा कि लव मैरिज के बाद आखिर पति ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों करनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र के रजापुर का है। इस घर में बिखरा हुआ और ये सूखा पड़ा खून इस बात का गवाह है कि पूजा ने कैसे अपनी जान बचाने के लिए अपने ही पति कमलेश के साथ संघर्ष किया होगा, और उसके पति कमलेश ने चाकू से किस तरह बेरहमी से उस पर वार पे वार किए होंगे। दरअसल पूजा और उसके पति कमलेश ने चार साल पहले प्रेम विवाह किया था, और उसका अपनी पत्नी पूजा से पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। पूजा के पति को उसका किसी से भी फोन पर बात करना पसंद नहीं था, और पत्नी पूजा अपनी बहन से फोन पर बात किया करती थी, जिसकी वजह से पति कमलेश अपनी पत्नी से नाराज हो गया और फिर अपनी पत्नी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमारे जैसे खाना बनाने आई थी पहले कमरे में से, जिसने आटा मारने बैठी थी। छोटा भैया खाना गाल के ले जा रहा था पहले कमरे में, यहाँ बैठ के खाना चाह रहा था। वो यहाँ से उन्होंने कहा था पहले कमरे में जाके खा ले, तो पहले कमरे में चला गया। इतने में गया था, इतने पीछे जाके मार दिया था। किसने मारा? कमलेश ने। क्या मारा? चक्कू मारा था। कहाँ पे मारा? नाड़ पे मारा था, और थोड़ा हाथ पे आ गया था। चक्कू कहाँ से लेके आया? वो चक्कू बाहर से लाए थे। वारदात के समय पूजा रसोई में काम कर रही थी। उसी दौरान कमलेश ने चाकू से पत्नी पूजा पर लगातार हमले किए। हमले में बहा खून आज भी आप फर्श पर देख सकते हैं। अपनी पत्नी पर चाकुओं से लगातार हमला करने के बाद वो फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल पूजा को अस्पताल ले जाया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज अब भी चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लड़ा कुछ होता था क्या रोज घर में, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया? लड़ाई झगड़ा कुछ ना, ऐसा था दीदी के द्वारा फोन आया था। दीदी, बड़ी दीदी जो उससे बात करते थे ना। अच्छा, तो उससे फूके गए थे। अच्छा, वो ये नहीं चाहते थे कि किसी से बात करे? अब वो चाहते थे हमारे घर वाले किसी से बात नहीं करे फोन पे, जब हमारे घर में कोई मेहमान आ गया ना। किसी तरीके का शक तो नहीं था दीदी पे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा करा? कोई शक नहीं था।
कोई शक नहीं था ना। फिर क्या हुआ, फिर पुलिस ने पकड़ा उन्हें? अभी तक नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा, अभी नहीं पकड़ में आए। अच्छा, पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस ने कह रहा है रिपोर्ट, सब करे जाएगा, जब जाकर पकड़ा जाएगा। तो जीजा जी से कुछ बात हुई है अभी तुम्हारे? अभी बात नहीं, अभी फोन उठाया था तो बोल नहीं रहे थे। अच्छा, फोन नहीं उठे, अभी बोल नहीं रहे। अब पति द्वारा पत्नी पर बेरहमी से किए गए इस हमले के बाद पूरा परिवार सकते में है। कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा कि पति भी पत्नी पर चाकुओं से इस तरह बेरहमी के साथ हमला कर सकता है। वही पति जिसने अग्नि के साथ फेरे लेकर अपनी इसी पत्नी के साथ सात जन्म रहने की कस्में खाई थी और लड़की के परिवार से उसकी देखभाल और उसकी रक्षा का वादा किया था। लेकिन आज की तस्वीरें बिल्कुल उलट है। जाहिर है हमारा समाज लगातार फेल होता जा रहा है और रिश्ते लगातार मरते जा रहे हैं। वैसे हाल फिलहाल में गाजियाबाद में इस तरह की कई खबरें सामने आई हैं, जहां पर न सिर्फ पति पत्नी बल्कि आपसी रिश्तों में भी लगातार दूरियां बढ़ी हैं, विश्वासघात हुआ है और ऐसे में उन रिश्तों पर फिर खूनी हमले लाजमी से दिखते हैं। वारदात से इलाके में सनसनी तो फैल गई है, साथ ही खाकी का काम भी बढ़ गया है, क्योंकि आरोपी पति अब भी फरार है और खाकी के हाथ अब तक खाली। विकास सिंह डागर, गाजियाबाद, नेशनल वॉइस। सौ नंबर में आज बस इतना ही, कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और सौ नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।